नमस्ते जयवर्धन सर, आपको ये जो अवार्ड मिला है वो क्यों मिला है, आप बताएंगे थोड़ा सा? ये नागपुर महाराष्ट्र में आज महुआ बुद्धिथी संगठन ने जो है अवार्ड फंक्शन आयोजित किया था, इसमें सोशल वर्कर्स को बुलाया था, जो समाज के लिए जो लोग काम करते हैं उनको बुलाया था। इसी के सापेक्ष आज हमको भी यहाँ पे महिला दिवस के रूप में बुलाया गया था। हम लोग बेसिकली हरदोई के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, वहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं, वहाँ से चल के यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लग रहा है। सर, ये आपको मिला किस लिए है? आप क्या ऐसे समाज में ऐसा कौन सा कार्य करते थे जो राष्ट्रीय स्तर पर आपको पुरस्कृत किया गया है? मैम, हमारे द्वारा लावारिस सबों का अंतिम संस्कार करवाया जाता है, सड़क के किनारे पड़े रहने वाले मानसिक विकसित भाई बहनों की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई जाती है। और चूंकि हमारी संस्था शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति जो कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में काम करती है, और मेरा एक मिशन आत्म संतुष्टि चलता है, ये सारे जितने काम होते हैं उस मिशन के तहत हम लोग करते हैं। और अभी तक हमने 500 से ज्यादा लावारिस सबों का अंतिम संस्कार अपनी देखरेख के खर्चे पे कराया है। हमारी संस्था द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई जाती है, हमारी संस्था द्वारा लड़कियों की शादियों की जिम्मेदारी उठाई जाती है। इसी तरीके से हमारा पूरा मिशन उत्तर प्रदेश में कार्य करता है। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। थैंक यू। तो ये थे राजवर्धन सर जो कि हरदोई से थे और इन्हें आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं महिमा बुद्धेश्वरी सामाजिक संस्थान से, तो इनके लिए जोरदार तालियां।